नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे केवीए से एम्पियर निकालना। ठीक है, केवीए से करंट निकालना, चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे थ्री फेज हो। दोस्तों इतना सिंपल होता है केवीए से करंट निकालना कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों डायरेक्ट पॉइंट की बात पे आते हैं कि एम्पियर निकालने के लिए क्या करते हैं हम। तो दोस्तों जैसे अगर आप मानिए कि एक ट्रांसफार्मर है और उसके केवीए से आपको करंट निकालना है। ठीक है, उसके केवीए से करंट निकालना है। अब कभी कभी ट्रांसफार्मर सिंगल फेज भी होता है और कोई कोई ट्रांसफार्मर थ्री फेज भी होता है। तो एक हम मान के चलते हैं कि एक सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है वो 100 केवीए का है और एक थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है वो 1000 केवीए का है। ठीक है, तो हम पहले सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर का करंट निकालते हैं। तो ये 100 केवीए का है सिंगल फेज का, तो 100 केवीए अपॉन मैं वोल्टेज से भाग लगा दूंगा, यानी जितने भी केवी है। जैसे अगर आपको कोई बोले कि हाँ भैया ये मेरा 1000 केवी का ट्रांसफार्मर है, तो आप उससे पूछिए भैया आप इसके अंदर वोल्टेज कितना निकाल रहे हैं, यानी आप इससे जो वोल्टेज का आउटपुट जो यूज़ ले रहे हैं वो कितने वोल्टेज का आउटपुट यूज ले रहे हैं। तो बोलेंगे भैया मैं 415 वोल्टेज का यूज ले रहा हूँ, 440 वोल्टेज ले रहा हूँ, या फिर मेरा सिंगल फेज है तो मैं 220 वोल्टेज ले रहा हूँ। तो दोस्तों वो आपको पूछना है। ठीक है, आपको वोल्टेज पता होना चाहिए। तो अब जैसे अगर ये सिंगल फेज है तो मेरे को पता है सिंगल फेज तो 220 वोल्टेज है। दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर देखना क्योंकि एक सिंगल फेज और थ्री फेज में सिर्फ एक मामूली छोटा सा फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। करना क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, केवीए में हमेशा बस वोल्टेज का भाग लगाना होता है। तो ये सिंगल फेज का है, ठीक है, केवीए के अंदर वोल्टेज का भाग लगाना है जितना मैं वोल्टेज का आउटपुट ले रहा हूं। तो अब 100 केवीए, तो दोस्तों आपको एक और चीज बताऊं, सबसे पहले ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। एक के है ना, इस के का मतलब मेरे को 3 जीरो लगाना है। के का मतलब आप कभी भी देखो के है, जैसे ये 10 केवीए है, तो 10 केवीए को अगर मैं वीए में करूँ ना तो इस के की जगह 10 और 3 जीरो लग जाएंगे, 1, 2, 3। और अगर एमवीए है, जैसे कहीं कहीं पे होता है कि 100 एमवीए या 2 एमवीए, 1 एमवीए, अगर 1 एमवीए है तो 1 के आगे एम की जगह 6 जीरो लगा दूंगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगर कभी आपको कोई बोले ना कि 10 किलो वाट को वाट में कन्वर्ट करो, तो के की जगह आप ओनली 3 जीरो लगा दो, 1, 2, 3 और डब्ल्यू लिख दो, तो वो हो गया 10 किलो वाट का वाट। तो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि के हटाने के लिए आपको हमेशा 3 जीरो लगाने हैं और हम एम हटाने के लिए आपको 6 जीरो लगाने हैं। तो के हटाने के लिए मैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 100 का 100 आ गया, 100 केवीए था, 100 केवीए का ट्रांसफार्मर, 100 केवीए लिख दिया और के हटाने के लिए 3 जीरो लगाए और ये वीए रह गया। अब मेरे को बस नीचे वोल्टेज का भाग लगाना है। तो दोस्तों मैं वोल्टेज का भाग लगा दूंगा तो क्या होगा, देखो ये वोल्टेज से ये वोल्टेज कट जाएगा और बचेगा क्या, ओनली एम्पियर के का, क्योंकि मैंने 3 जीरो लगा दिया। तो वोल्टेज मैंने आपको बोला 220 वोल्टेज है, तो 220 के अंदर मैं इसको भाग लगाऊं तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और मैं 10,000 के अंदर 22 का भाग लगा देता हूं, तो मेरा जो आया एम्पियर वो आया 454 एम्पियर, 454 एम्पियर। अब दोस्तों थ्री फेज की बात कर लेते हैं कि थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है। थ्री फेज सिस्टम में मैंने आपको बोला कुछ चेंज होएगा हल्का सा मात्र और कुछ फर्क नहीं होएगा। दोस्तों थ्री फेज के अंदर मैंने आपको बोला था एग्जांपल कि मैं 1000 केवी के ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल लेता हूं, तो एम्पियर निकालना है मुझे। तो एम्पियर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी कि केवीए डिवाइड बाय वोल्टेज करता हूं। पर दोस्तों थ्री फेज और सिंगल फेज ये फॉर्मूला नहीं, इलेक्ट्रिकल के जितने भी फॉर्मूले सिंगल फेज और थ्री फेज के सारे सेम होते हैं। मैंने पहले भी ये बात रिपीट कर रखी है पुराने वीडियोस के अंदर, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि थ्री फेज और सिंगल फेज के अंदर सारे फॉर्मूले सेम होते हैं जिस चीज के अंदर वोल्टेज आता है। बस उसके अंदर क्या करना पड़ता है हमको, वोल्टेज थ्री फेज का जो भी है उसके साथ में मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है √3। ये एक फिक्स वैल्यू है, इसको हमको याद रखना पड़ेगा कि जैसे अब जैसे ये सिंगल फेज का फॉर्मूला था, तो इसके अंदर अगर मैं नीचे √3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा थ्री फेज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732, आप डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो। तो अब मेरे को ये थ्री फेज का निकालना है, तो मेरे को क्या करना है, वोल्टेज इनटू 1.732, ठीक है, ये करना है। अब दोस्तों केवी है तो मैंने आपको क्या बोला, 1000 केवी का अपन निकाल रहे हैं, तो 1000 के लिए 1000 लिख दूंगा, मैं 1000 लिख दूंगा और साथ में 3 जीरो लगा दूंगा, 1, 2, 3, ये के हटाने के लिए। अब ये वोल्टेज, वोल्टेज नीचे लिखना है मेरे को, वोल्टेज कितना है दोस्तों, अगर मैं मान के चलता हूँ कि मेरा वोल्टेज जो है वो 415 वोल्टेज है, 415 वोल्टेज इंटू 1.732। दोस्तों आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अगर आप इसमें फ्यूज लगाना चाहो, जैसे 454 एम्पियर है, तो आपके मन में एक चीज़ आती है कि हम इसके अंदर फ्यूज की कैपेसिटी जो रहेगी वो कितने की रहेगी। तो दोस्तों हमेशा फ्यूज की कैपेसिटी हमेशा हम 1.5 गुना रखते हैं, जितना भी हमारा करंट होता है उसका 1.5 गुना। जैसे अगर हमारा ट्रांसफार्मर है वो 454 एम्पियर तक करंट झेल सकता है, तो उसका 1.5 गुना रख देंगे, यानी अब 454 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करा दो, जो करंट आएगा वो आप फ्यूज रख लो। तो दोस्तों अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, सबसे पहले 415 और 1.732 को, फिर जो भी आएगा मैं उसके अंदर भाग लगा दूंगा। तो दोस्तों 415 इंटू 1.732 यह आएगा दोस्तों 718। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 718 और ये ऊपर की पूरी की पूरी चीज़ें 1, 2, 3, 1000 और ये के 3 जीरो। तो अब मैं इसमें भाग लगा देता हूँ 1000, 1, 2, 3 भाजक 718। तो 718 के अंदर जो एम्पियर आया दोस्तों वो आया 1392 एम्पियर। तो 1000 केवी का जो ट्रांसफार्मर वो कितना करंट ले सकता है, वो ले सकता है 1392 एम्पियर। और दोस्तों अगर इस 1000 केवी के फ्यूज की कैपेसिटी की बात करें, तो फ्यूज हम इसमें लगाएंगे 1392 इंटू 1.5।
200 ये आएगा 2088, तो हम 2000 के आसपास या 2100 के आसपास फ्यूज लगा देंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है केवी से एम्पियर निकालना। दोस्तों उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में देखना पसंद करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।